जो लखीमपुर के अंदर घटना हुई थी उसको लेके गांव स्तर पे जो श्रद्धांजलि दी जा रही है किसानों को, तो यहाँ पे तो चौसाड़ा के अंदर भी प्रोग्राम आयोजित किया गया है। देखिए फिलहाल जो मांगे हैं किसानों की वो तो तीन काले कानून हैं जो वापस होने चाहिए, वो तो है ही है। उसके साथ साथ जनता के बीच में जो RSS द्वारा लगातार किसानों के ऊपर हमले करने की जो बात आ रही है, सरकार खट्टर का बयान देख लीजिए आप, कह रहा है कि 700-800 की टोली बनाओ और किसानों के ऊपर आप मतलब हमले करो, जैसे को तैसा वो कह रहा है। किसान कोई किसी के ऊपर हमले थोड़े ना कर रहे हैं, ऐसा तो देखो इशारा करके लोगों के बीच में दंगे करवा के, अगर पीछे तो कुछ भी कहता रहे, लोग आपस में भिड़ के मर जाएंगे, बाद में तो कुछ भी कहता फिरे, उनकी तो राजनीति यही है, चाहे 2000 हो, दिल्ली के दंगे हों, पीछे हमने देखा है। तरीके से गाँव का भाईचारा खराब किया जाए, जैसे इन्होंने अगर सेन जयंती में मतलब पता है इनको कि गांव के अंदर रोष है, पूरा हरियाणा आपके खिलाफ है, फिर भी ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि इनका काडर बेस संगठन है, इनको पता है कि कुछ गुंडे हम उतारेंगे RSS के, लोग विरोध करेंगे, लोगों के आपस में लठ बजेंगे, लोगों का भाईचारा बिगड़ेगा। इन्होंने ऐसा ही किया लंबे समय से, और इसके खिलाफ जैसे किसान भी लगातार समझ रहे हैं, RSS का जो रूप था पहले छिपे रूप में थे किसानों के सामने, अब आया है ये गाय के नाम पे, तमाम चीज़ों के नाम पे किसानों के बच्चों को गुमराह करते हैं, तो किसानों के बच्चे भी आज उस चीज़ को समझ चुके हैं, तो उनकी नहीं चलनी। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य है जो लखीमपुर में 4-5 किसान शहीद हुए नहीं, उनके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान था भाई 12 तारीख को कैंडल मार्च निकालना है। दबाव तो बनेगा भाई, लंबा काम हो गया, तो शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। आगे UP के चुनाव आने वाले हैं, UP के चुनाव में देखो किसान संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पे रैलियाँ पे रैली करने लग रहा है, जो शहीद हुए उनके भी घर जाके आया है, मुआवजा दुआया, नौकरी दुआई है, सरकार पे दबाव तो डलिया है। अगर सरकार पे दबाव नहीं होता तो वो हमारी मांगे नहीं मानते, वो 3 दिन के अंदर ही हमारी मांगे मान ली उसने। जो आशीष मिश्रा था वो गिरफ्तार हो चुका है, अब उसका पिताजी है जो मिश्रा, उसके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, और वो भी हम उस चीज़ में भी कामयाब होंगे। कथराने की कह रहे थे, वो टीम उनकी तो काम बनी थी, हमारी टीमें बनी थी गांव गांव जाकर, हमें पूरा ऐलान कर दिया था कि लठ लेके आएंगे 9-9 फुट का, उसके अंदर भारतीय किसान यूनियन का झंडा होगा, और अगर खट्टर में दम है तो यहाँ कैथड़ आके दिखाइए। कुछ उसके दल्ले थे, 2-3 दल्ले थे उसके कैथड़ में, वो कह रहे थे कि हम बुलाएंगे उसको, मगर बुला के देख लियो कैथल जिला नहीं है, पूरा हरियाणा आता वहाँ पे, चाहे शहीद होते चाहे कुछ भी होता हमारे साथ, हम उसका जाद नहीं उतरने देते थे। JJP BJP हलपा इनका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा, ना किसों के उसमें संयुक्त किसान मोर्चा वोट डलवाएगा, जिसकी जहाँ जी करेगा वहीं डालवाएगा। BJP JJP हलपा कौन सी है वो गोपाल कांडा वाली, उसको कौन देगा वोट, वहीं पर भी विरोध खट्टर का था, यहीं पर भी उनका जनती का हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर कमलेश डांडा आएगी तो हम विरोध करेंगे पूरी तरह से, अगर कमालपुर आ रही है कुमाल पर आएगी तो उसका पूरा विरोध होगा, पहले प्रोग्राम देखा जाएगा किस चीज़ का वो।